खाना खाने से डर नहीं लगता साहेब। कुछ ना पूछो यार, क्यों? मुझे बहुत गुस्सा है आज। खबरदार मेरे कौन को कुछ कहा तो। नाश्ता? नाश्ता क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। गाइस मैं रेडी हो गया हूँ। आज मैं नॉर्मल टाइम से ज़रा अर्ली उठा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थी अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट पर जाऊँगा, फिर वहाँ से फ्री होकर मैंने सीधा ऑफिस जाना है। और आज लकीली मौसम भी बहुत नाइस एंड शाइनी है। सो गाइस आपको आफ्टरनून में मैं मीट करता हूँ। बाकी का व्लॉग जो कंटिन्यू सोनिया करेगी। अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आपने देखा आज का व्लॉग साकिब ने स्टार्ट किया है, क्योंकि साकिब रूटीन से हटकर आज उठ गए थे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि साकिब की हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी अर्ली मॉर्निंग। तो एनीवेज साकिब तो अब चले गए हैं ऑफिस, तो बाकी का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी। बस अभी थोड़ी देर पहले मैं और बच्चे उठे हैं और आज हमारी लास्ट हॉलीडे है। आगे तो नॉर्मल वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे। मंडे से वही रूटीन, भाग दौड़, फास्ट लाइफ। मैंने भी जॉब पे जाना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, तो बस यही लाइफ मंडे से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे, उसको हम खूब इंजॉय करेंगे और टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे घर में। और मुझे अपने और बच्चों के कपड़े वगैरह भी रेडी करने होंगे। और मैं क्या करती हूँ कि अपने पूरे वीक के जो ड्रेसिंग होती है जॉब की, वो मैं संडे को ही सारी रेडी कर देती हूँ। तो हानिया ने कहा था कि मुझे हलवा पूड़ी का ब्रेकफास्ट करना है, तो आज तो है फ्राइडे, यहाँ ओनली वीकेंड्स पे मिलता है हलवा पूड़ी का ब्रेकफास्ट। तो कल भी साकिब की कहीं अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैंने हानिया को आज कन्विंस किया है कि प्लीज हानिया मान जाओ, संडे को हम आपको प्रॉमिस लेकर जाएंगे हलवा पूड़ी के लिए। सबसे पहले जो मेरी रूटीन है कि मैं गर्म पानी पीती हूँ हमेशा। कोई भी चीज आप माइक्रोवेव में रखें तो उसको कवर करके रखें, ताकि इसमें इलेक्ट्रिक जो है वो रेज वगैरह ना जाए। तो इसको हम 1 मिनट तक वार्म करते हैं और फिर अपने पानी में थोड़ा सा हनी ऐड करते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल हनी ऐड करेंगे। आपको पीछे वॉशिंग मशीन की भी आवाज़ आ रही होगी। मैंने सुबह उठते ही टॉवल्स को मशीन में डाल दिए। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम कर चुके हैं, लेकिन खाना खाने से डर नहीं लगता साहेब। खाने के बाद जो बर्तन बनते हैं इनसे डर लगता है। साकिब फ्रूट्स खा रहे हैं, मैं बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि फ्रूट्स में खा चुकी हूँ। ऑरेंज मीठा है यार, ऑरेंज मीठा है, सम टाइम होता है मीठा निकलता। नहीं अच्छा है, मुझे भी मजा आया खाने का, लेकिन आज खाना था और खाऊं। कल भी मैंने खाया तो मीठा निकला, लेकिन अब मेरा ना कुछ मीठा कुछ खाने का दिल कर रहा था। ये वैसे ये होता है कि ऑरेंज अगर आप सीजनली खाओ ना फिर ये अच्छे होते हैं। हाँ, अब सर्दी, अदरवाइज तो अब तो वैसे यहाँ पे तो वैसे रहते हैं ऑरेंज समर में भी। तो अच्छा आपने मुझे बताया नहीं क्या क्या आपके अपॉइंटमेंट में डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ ना पूछो यार। क्यों? मुझे बहुत गुस्सा है आज। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा इस चीज का नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। अच्छा, कैंसिल हो गई? इस चीज का है कि मैं नियरली पहुंच गया था अपॉइंटमेंट पे। अच्छा। और कॉल आ जाती है असिस्टेंट की, डॉक्टर के असिस्टेंट की, कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल हो गई, डॉक्टर जो अवेलेबल नहीं है, तो आपका हम अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल करेंगे, तो आपको हम लेटर भेजेंगे तो और टेक्स्ट भी करेंगे। तो आपने कहा नहीं, मैं तो अपने कहा है मैंने उसको, काम से लेट जा रहा था तो मैंने स्पेशल ऑफिस से टाइम भी ऑफ किया। तो फिर मैंने सॉरी सॉरी करने लग गया, ये बोल मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार मेरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आगे भी डिले हो चुकी हैं, और अभी तुम मुझे ऑन टाइम पे बता रहे हो, एटलीस्ट मुझे डे बिफोर तो बताओ ताकि मैं अपना अब उसी तरह से चलूं। बाय एनीवे फिर मैं सीधा ऑफिस चला गया। फिर चलो खैर, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा मैं घर जाके बताऊं। कल भी आपकी एक अपॉइंटमेंट है? हां कल। अच्छा मैं कुछ सोच रही हूं तो वो मैं आपको बताती हूं थोड़ी देर में कि मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक है? कल का? डिपेंड वेदर कैसा है। हाँ डिपेंड करता है वेदर कैसा है, अगर तो वेदर अच्छा है तो फिर। आज तो अच्छा था। हाँ अगर आज जैसा था ना वेदर, उसी टाइप का अगर वेदर हुआ ना, वेदर वेदर हुआ ना, तो 1-2 आवर्स के लिए ना बच्चों को कहीं, बच्चों को फन करवा देंगे कहीं, तो क्योंकि आगे फिर स्कूल ओपन हो रहे हैं तो फिर बिजी हो जाएंगे। हनु 2 डेज रह गए, ओनली 2 डेज लेफ्ट।
सोनिया गोरो ने शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए और तुम्हारा ये गोरे नहीं उतरा। खबरदार मेरे गोन को कुछ कहा तो ये मेरा हर अकलो तकलो तक गोन है। ये मेरा हर दिल अजीज है, ये मुझे सर्दियों में बहुत काम आता है, सर्दियों में बजाता है मुझे। तो अभी बस, और वैसे भी हम पाकिस्तानी देसी लोग हैं, हमें तो सर्दी लगती है। गोरों को तो मैंने विंटर में भी देखा है शॉर्ट्स पहने हुए और विदाउट जैकेट। अच्छा, बाहर अगर जाओ ना थोड़ा सा सूरज की वजह से थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लेकिन शाम के टाइम ना हवा चलने लग जाती है, इसलिए सर्दी हो जाती है। ट्री को देखो, अब विंड शुरू हो गई है, इसीलिए सर्दी है अंदर। और मुझे इस टाइम यहाँ पे खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो सनसेट, वो देखो सनसेट, अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और दिन भी देखो कितना डिफरेंस आ गया, 7:30 हो गए, नहीं ज्यादा टाइम 8 बज गए, नहीं 8 ही हुए, 8:15 हुए होंगे मैक्सिमम। तो अभी मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा सा जाएं बाहर वॉक शॉक कर आएं, लेकिन ये बार फिर ठंडी हवा चलने लग गई है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा और अच्छा वेदर आए, क्योंकि अभी कैसा है कि डे टाइम अच्छा होता है लेकिन नाइट में ना ठंडा हो जाता है। हानिया डोर को नहीं करो, हाथ आ जाएगा उसमें। हानिया बेटा डोर नहीं, बाजर का हाथ हैंड आ जाएगा। चलो ठीक है, आपने शेव करनी है, शेव कर लो। चलो मैं अपने कुछ काम करता हूं, और मैं सोचती हूं कि मैं रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दूं। चलो तुम अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपने कल नाश्ते में क्या खाना है। नाश्ता नाश्ता क्या है? नाश्ता लिप्स को नहीं ऐसे करो, नाश्ता नहीं पता। नाश्ते का नहीं पता आपको? नहीं आपको पता है, डेली करती हो आप। मॉर्निंग में क्या खाती हो, क्या खाती है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट है वो। नाश्ते को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आपने कल? स्पिनेच। ब्रेड खानी है, पराठा खाना है, या लाइक फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, ब्रेड फ्राई खाना है? मैंने खाना है योगर्ट के साथ पराठा। योगर्ट के साथ पराठा एवरीडे? नहीं, आज डिफरेंट खाया। अच्छा अच्छा, आपका इसका मतलब है कि हानिया ने तो खाना है पराठा योगर्ट के साथ, ठीक है। उज़ैफ़ा आपने? मैंने फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट खाने हैं आपने, सही है। साकिब आपने क्या करना है ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में बताओ क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में ब्रेड तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, मैंने दिस टाइम ना एक्चुअली टुमारो मैं हलवा पूरी खानी। नहीं, टुमारो हलवा पूरी नहीं खानी है, टुमारो पापा की अपॉइंटमेंट है। मेरी अपॉइंटमेंट है बेटा का, संडे में लेके आती है। नहीं, कल बाप की अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, कल मेरी अपॉइंटमेंट है बेटा, फिर कभी कर लेंगे ना मेरा बेटा, ठीक है। मेरी अपॉइंटमेंट आ गई ना सडनली, मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। नाराज हो गई है हानिया, इधर आओ। इस तरह ब्रेकफास्ट का मजा नहीं आएगा, जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। कल बेटा पापा की अपॉइंटमेंट है अर्ली, तो फिर हमने वहाँ जाना है कल। संडे, तो लेट्स सी, देखते हैं। ओह अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है, चलो मैं देखती हूँ। चलो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं ना क्या प्लान है हमारा, ठीक है। संडे में जाना है, संडे नाइट में जाना है हमने, नाइट में जाना है हमने। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, नाइट में नहीं, टू टू टाइम नहीं कर सकते ना बेटा बाहर से। ओके, फिर नेक्स्ट वीक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीक आपका प्रॉमिस। डिनर हमने किसी से मीट करना है ना, हमारा प्लान है। किसी को कहा हुआ है ना बेटा? आप थोड़ा सा वेट कर लो ना, पेशेंट्स होने चाहिए अल्लाह ताला। Next week, आपको पता है जिनके अंदर पेशेंट्स होते हैं ना, जो वेट करते हैं अल्लाह ताला उनसे बहुत हैप्पी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक आएगा। हां, नेक्स्ट वीक आप 2 खा लेना। हां, नेक्स्ट वीक, व्हेन नेक्स्ट वीक मैंने खाना है 3। ओके, 3 खा लेना अगर आपने करना है तो। दिस टाइम मैं आपको डिफरेंट प्लेस पे लेके जाऊंगा, ओके? और मुझे उनका अच्छा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। आपने ईट किया हुआ है वहां से भी? किया हुआ है आपने, लेकिन अभी टाइम हो गया। यू है? नहीं, आप गई हुई हो, आप गई हुई हो, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो गया। अच्छा, सो तो मैं ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं पराठा खा लूंगा ऑमलेट के साथ या जो भी है, क्योंकि फिर मैंने जाना है अपॉइंटमेंट पे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ हम आपके साथ ही जाएं, फिर वहां से कोई देखते हैं बच्चों को कहीं पार्क। अगर वेदर नाइस हुआ तो चले, होगा नाइस, मैंने चेक कर लिया। और अगर नहीं होगा तो फिर घर में रहना, मैं अपॉइंटमेंट से आऊंगा। चलो ठीक, क्योंकि वेदर का बिल्कुल पता नहीं चलता। मुझे फोन नहीं दे रहे,
हुज़ैफ़ा दे दो बेटा, दे दो। तो गाइस हुज़ैफ़ा बेटा तंग नहीं करो, लोग एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बच्चों की तो शोर आपको आ रहा होगा। सो गाइस हम आपको न्यू व्लॉग में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।